क्या इस बार नरेंद्र मोदी वोट पाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे? नरेंद्र मोदी ने काशी से नामांकन करके यूपी के 80 सीटों पर माहौल बदल दिया है। जिसने भी काशी में 13 मई को मोदी का 5 किलोमीटर लंबा रोड शो देखा, फिर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में मोदी की पूजा अर्चना देखी, वो समझ गया कि इस बार मोदी विराट विजय का आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन मोदी से ज्यादा फिक्र अमित शाह को है। अमित शाह ने इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा वोट दिलाने और सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जिताने का प्लान बना लिया है, और इस प्लान का सबसे बड़ा प्रमाण दिखा 11 मई को। 11 मई को बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने काशी पहुंचकर हर तैयारी का जायजा लिया। शाह ने 16 घंटे में बीजेपी नेताओं के साथ एक के बाद एक 6 मीटिंग करके माहौल बदल दिया। जी हां, 16 घंटे में अमित शाह ने लोकल बीजेपी लीडर्स को जीत का वो मंत्र दिया, जिसे जानकर मीटिंग में शामिल लोग भी दंग रह गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में काशी से नरेंद्र मोदी को करीब 6,75,000 वोट मिले थे। इस मीटिंग में अमित शाह ने बीजेपी लीडर्स से कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी को 10 लाख वोट दिलाने का टारगेट है, और कैसे इस मुश्किल टारगेट को आसान किया जा सकता है, ये सब अमित शाह ने मीटिंग में बता दिया। तो क्या मोदी वाराणसी से सबसे ज्यादा वोट पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वाकई सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा 2014 में नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड पर गौर करिए। 2014 में मोदी ने वाराणसी के साथ ही वडोदरा से भी चुनाव लड़ा था। 2014 के चुनाव में मोदी ने वडोदरा सीट से भी चुनाव लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री को लगभग 5,70,000 वोटों से हराया था। और 2019 में तो मोदी के एक साथी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी के नेता सीआर पाटिल के नाम 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत का रिकॉर्ड है। उन्होंने नवसारी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 6,89,000 वोटों से हराया था। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उनसे पीछे छूट गए थे। यहां ये जानना बेहद जरूरी है कि सीआर पाटिल लोकसभा चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले दूसरे नेता हैं। उनसे पहले अक्टूबर 2014 में प्रीतम मुंडे ने 6,96,000 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। लेकिन प्रीतम मुंडे को एक चीज का फायदा मिला था। दरअसल साल 2014 में बीजेपी के धाकड़ लीडर और प्रीतम मुंडे के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद ये चुनाव हुआ था। सहानुभूति की लहर का फायदा प्रीतम को मिला और प्रीतम ने रिकॉर्ड बना डाला। अब अमित शाह की नजर इस रिकॉर्ड पर है। 2019 के चुनाव में वाराणसी में कुल वोटर की संख्या 17 लाख से ज्यादा थी, जो कि अब 20 लाख के आसपास है। अगर वोटिंग प्रतिशत 70 के करीब गया तो मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। जिनके लिए मोदी की ये महाजीत मुश्किल लग रही है, वो एक बात जान ले, मोदी है तो मुमकिन है।